नमस्कार, कैसे हैं आप। हिंदी में एक कहावत है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आजम खान का एक वक्त था, वो जिसके ऊपर चाहते थे FIR दर्ज करवाते थे और जिस अपराधी को बचाना चाहते थे पुलिस की हैसियत नहीं होती थी कि वो FIR दर्ज करे। आज आजम पर FIR शतक पार है, सेंचुरी लगा चुके हैं आजम खान अपने ऊपर FIR को। जिस आजम खान के खौफ से पुलिस वाले उनके गुर्गों पर FIR दर्ज करने की हिम्मत हैसियत नहीं जुटा पाते थे, उस आजम खान के खिलाफ शतक पार FIR है। बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी से लेकर ना जाने क्या क्या, मनी लॉन्ड्रिंग के केस तक। आजम खान का रुतबा उत्तर प्रदेश में ऐसा था कि अखिलेश राज में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर होते थे और कहा जाता था कि आधे मुख्यमंत्री हैं। यूपी में ढाई मुख्यमंत्री की बात होती थी, एक मुलायम सिंह यादव, एक आजम खान और आधे में कुर्सी पर बैठा अखिलेश यादव। लेकिन उस आजम खान की आज हैसियत ये है कि वो रामपुर में अपने उम्मीदवार को भी जिता नहीं पाए, लोकसभा नहीं विधानसभा तक। आकाश सक्सेना वहां से अब MLA हैं और आकाश सक्सेना की एक शिकायत ने आजम खान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजम खान के ऊपर जौहर यूनिवर्सिटी का भूत सवार हुआ तो उन्होंने गरीब गुर्गे की जमीन कब्जानी शुरू कर दी। आजम खान अपनों से ही दुश्मनी लेने लगे, जो उनके वोट बैंक थे उसके ही जमीन कब्जाने लगे और बीघा का बीघा जमीन छीन करके उन्होंने रामपुर इलाके में जौहर यूनिवर्सिटी का जो सपना बोया वो आजम की तबाही का कारण बन गया। आजम खान पर 5,000 करोड़ रुपए गबन का आरोप है, सोचिए 5,000 करोड़ रुपए। अब IT की छापेमारी ने पूरा पोल खोल करके रख दिया कि आजम खान अपनी लूट की संपत्ति अपने गुर्गों के पास कैसे कैसे रखते थे। आजम खान के पास एक DSP हुआ करता था आले हसन, वो आजम के लिए जमीन छीनने का धंधा करता था। सैकड़ों बीघा जमीन आजम खान ने लूट लिए उस इलाके में और जिस जमीन पर आजम खान का DSP आले हसन अपना लठ रख देता था वो जमीन आजम खान की हो जाती थी। आजम खान के DSP के बारे में आपने कई बार कहानी सुनी होगी, मैंने स्पेशल शो किया था उस पर कि आले हसन की हैसियत ऐसी थी कि आले हसन के सामने DSP के खुद रहते हुए DGP तक उसके सामने उसके फोन की घंटी सुनकर उठ खड़े होते थे। ये हैसियत थी आजम खान के DSP आले हसन की। आज वह भी जेल में है, आले हसन जेल में है, लेकिन जब छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ तो आजम खान का महिला आले हसन सामने आ गया। अब उस आले हसन की महिला स्वरूप एकता कौशिक के रूप में आया है। एकता शादीशुदा महिला है, एक इंजीनियर की पुत्रवधू है, लेकिन आजम खान की सेवादार। योगी पुलिस की नजर तब लगी हुई थी इस एकता कौशिक पर कि एक महिला बार बार जेल में आजम खान से मिलने क्यों जाती है, ऐसा क्या लस्ट है इस एकता में। इसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ भी दिखती है, आजम खान के साथ भी। और आजम की खासम खास इसलिए कि बताते हैं कि बेटा, उसके छोटे बेटे आदिब की वो दोस्त है, इसीलिए वो सेवा करने के लिए आजम खान के लिए जेल के साथ साथ अस्पताल में ही वो नर्स होते हैं। लेकिन एकता कौशिक नर्स के बदले सेवा करती थी और मेवा ऐसा पाई कि IT रिपोर्ट के मुताबिक
बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और जगुआर जैसी महंगी महंगी करोड़ों की कार उसके पास है, और ये बताते हैं कि आजम खान की अवैध संपत्ति। तो आखिर आजम ने किसी एकता कौशिक के नाम पर इतनी संपत्ति कैसे जुटाई कि अभी एक एकता सामने आई है, अभी ना जाने कितनी एकता सामने आएगी। जैसे कई आले हसन आए, आले हसन जैसे लोग लूट करते थे और एकता जैसे लोगों के पास वो पैसा जमा होता था, इस नेता की आईटी की टीम वहां पहुंच नहीं पाई, इनकम टैक्स की रेड ना हो पाए, और कहते हैं ना कि चोर जितनी दूर तक सोचता है उससे कई गुना दूर तक पुलिस सोचती है। आजम खान ने अपनी नोट की संपत्ति अपने बच्चों तक ही नहीं रखी, ऐसे ऐसे जगह पहुंचाई सिर्फ जिहादियों तक नहीं, एकता कौशिक जैसी ब्राह्मण लड़की तक भी। अब सोचिए उस आजम खान के ऊपर जब तलवार लटका, ये वो आजम खान है जिसका रुतबा ऐसा था कि मुजफ्फरनगर में जब एक हिंदू लड़की को जिहादियों ने छेड़छाड़ किया, उसके भाई जब बचाव में गए तो उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई जिनकी हत्या हुई उनके परिजनों के द्वारा। तो मुजफ्फरनगर में बदले में दंगा हुआ क्योंकि आजम ने पुलिस वालों को निर्देश दिया था कि जिहादियों पर, हत्यारों पर एफआईआर नहीं होगी। फिर एक भयानक दंगा 2013 में हुआ और उसने पूरे उत्तर प्रदेश को विवश कर दिया कि उत्तर प्रदेश कैसे लोगों के हाथ में। अब पता चला कि आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट के ठिकानों पर से समेत 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई, रामपुर की कोठी के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में रेड मारी गई, तो पता चला कि कई ट्रस्टी हैं आजम के जिसके नाम करोड़ों पैसे हैं। उसका एक पूर्व एमएलए है नासिर खान, जिसके पास सीतापुर के रेजेंसी स्कूल चलाने का, दरअसल शिक्षा माफिया बनने का सपना आजम ने देखा। अब आजम खान के पास इतने पैसे थे कि आजम खान को लगा कि सिब्बल जैसे वकील उनकी चाकरी करेंगे, तो समाजवादी पार्टी से आजम ने सिब्बल को राज्यसभा भिजवा दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो हैसियत खो चुकी हुई थी, लालू यादव की पार्टी आरजेडी बिहार में अपनी हैसियत गंवा चुकी थी, क्योंकि आरजेडी जिसका रुतबा बिहार में था उसके पास एक भी सांसद नहीं बचा था लोकसभा में, 40 में से 39 सांसद एनडीए गठबंधन ने जीता और एक सांसद कांग्रेस पार्टी का था, तो लालू यादव इस हैसियत में नहीं रह गए कि किसी सिब्बल को राज्यसभा भेज सके, क्योंकि उन्हें अपनी बिटिया को भेजना था और एक अपने झाजी को, मनोज झा को। खैर, सिब्बल का काम कहीं लग सकता है। दरअसल आईटी रिपोर्ट में पता चला कि आजम खान जो सामान्य दिखता है, जो सामान्य कुर्ता पायजामा पहनता है, वो 5,000 करोड़ संपत्ति पर काबिज हो चुका हुआ है किसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर। तब यूं ही नहीं, आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हुए, उसके ऊपर जबरन चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी जैसे दुर्लभ चीजों और दुर्लभ सामानों की चोरी के साथ साथ जबरन जमीन कब्जा करने के 40 से ज्यादा इस तरह के केस हैं, मारपीट और धमकी के 29, आपत्तिजनक भाषण के 20, गोसियान प्रकरण में 12। आपको याद होगा मारपीट में जब चाहे किसी पर भी हाथ उठा दिया करता था। आजम खान पर एक मामला जिसमें वो सजा याफ्ता हो चुका है, वो ये कि नेशनल हाईवे पर वो बैठ गया क्योंकि उसकी गाड़ी की चेकिंग हो रही थी, पुलिस ने उसकी गाड़ी की चेकिंग की, ये पुराना मामला है, लेकिन इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई, बेटा के साथ वो जेल गया। सिंपल इस मामले में उसे इतना कर पाए कि जमानत दिला पाए। 19 मई 22 को वो जेल से बाहर आया। 1 अगस्त 2019 को ईडी ने उसके ऊपर करोड़ों रुपए होने के आरोप लगाए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जल बोर्ड भर्ती मामले में 1342 पदों की हेराफेरी का मामला, ये तमाम चीजें सामने आए, तो पता चला कि रामपुर चुनाव प्रचार के दौरान उसने जनभावना भड़काया हिंदुओं के खिलाफ। 2 दिसंबर को आसिम रजा के समर्थन में प्रचार करने के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और 27 अक्टूबर 2022 को मीलक इलाके में भड़काऊ भाषण में उसे 3 साल की कैद की सजा हुई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आजम खान के साथ ऐसा कुछ हो सकता था। आजम खान का रुतबा ऐसा था
कि कल्पना से पड़े थे। तब आपको आजम खान की वो तमाम चीजें याद आएंगी। आजम खान जब उत्तर प्रदेश में था और चुनाव योगी आदित्यनाथ बीजेपी जीत गई थी, उस दौरान भी एक पुलिस वालों को उसने कहा था कि सरकार अभी भी हमारी है, आपने मुझे इस रास्ते से क्यों लाया। वो वीडियो आपको देखना चाहिए। आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं सड़क पर कोई चलेगा नहीं। हमसे क्यों नाराज थे, हमने क्या कर दिया? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? आपके कारनामे तो मोबाइल में है। यह सरकार की इमेज को बहुत अच्छा बना रहा है। ये अकर थी कि किस तरह से आजम अपराधियों अधिकारियों को अपमानित किया करते थे। इतना ही नहीं, आजम खान का एक वीडियो उस समय भी वायरल हुआ, कभी कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, जब वो जिप्सी चिपर खड़े होकर के कह रहा था कि इस आईएएस अधिकारी तनखाइयों से मत डरना, ये तनखाइये नौकर की तरह होते हैं, इनसे मैं मायावती जी के जूते साफ कराऊंगा। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई बहुत शुक्रिया। आजम ने क्यों सिर्फ मायावती का नाम लिया? कायदे से मायावती जी द्वारा उन्हें उसके ऊपर केस करना चाहिए था। ये दरअसल मायावती का नाम इसलिए लिया क्योंकि मायावती दलित हैं, तो मायावती के जूते, क्योंकि अपना गठबंधन है उससे। ये नीचा दिखाया उसने मायावती को भी। और अजय कुमार जो उस समय डीएम हुआ करते थे, उसने आजम की, फिर उसी आजम की दुर्गति ऐसी कर दी। तो शतक पार कर चुका आजम खान का आतंक ऐसा था उत्तर प्रदेश में कि उसकी मर्जी से उत्तर प्रदेश में पत्ता हिलता था। खौफ ऐसा था कि उसकी तस्वीर लगा करके लोग माफियागिरी करते थे, आज त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब 100 से ज्यादा एफआईआर के बाद भी आजम को लगा कि उसके पास कपिल सिब्बल है, जब उसके पास उसे लगा कि कपिल सिब्बल उसके पास है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, और वो सजायाफ्ता होने के बाद भी जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन आजम इस बात की कल्पना नहीं किए हुए था कि ईडी की छापेमारी में वो सब पोल खुल जाएंगे। किस तरह से आजम ने शत्रु संपत्तियों पर कब्जा कर दिया? जानते हैं शत्रु संपत्ति का मतलब क्या है? पाकिस्तान का एक मुसलमान जो भारत छोड़ करके चले गए,
उनकी जो संपत्ति हुई वो शत्रु संपत्ति मानी गई, भारत सरकार के कब्जे में आ गई वो संपत्ति। लेकिन आजम खान जैसे लोगों ने उस संपत्ति पर कब्जा कर लिया और जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे का आजम का वही षड्यंत्र था कि वहां के जो का नवाब जो था उसकी संपत्ति पर कब्जा करना। आज आजम खान की दुर्गति से लगता है कि इसे ही कहते हैं आजम हो जाना, इसे कहते हैं वक्त की मार। उस आजम को यह फिर लगता है कि सत्ता उसकी फिर आएगी। यह आजम वही है जो मुसलमानों को भड़काया करता था, यह आजम वही है जो संसद में चीख चीख कर कहता था कि हमने तय किया, हम भारत के बाहर नहीं गए, हम पाकिस्तान नहीं गए, एहसान किया। यह आजम खान की अकड़ और एकड़ी ऐसी थी कि पीठ पर बैठे पीठासीन अधिकारी रामा देवी को इसने अपमानित किया। दरअसल आजम खान को आदत थी जयाप्रदा समेत तमाम महिलाओं को अपमानित करने का। यह अहंकार उसका था, ये उसकी बदतमीजी थी कि संसद भवन में भी ये करता रहा, लेकिन अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े हो गए। आज आजम के साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। 5,000 करोड़ की संपत्ति की लूट का यदि मामला सामने आ रहा तो आजम ने सिर्फ सब कुछ खुद के लिए नहीं किया होगा। जौहर यूनिवर्सिटी का जब शिलान्यास न्यास किया था तो मुलायम सिंह यादव पूरी अपनी मंत्रिमंडल के साथ उसके पास 2005 में आए थे। तो दिखता है आजम का क्या रुतबा था। आज आजम के घर में घुस करके इनकम टैक्स की टीम वो तमाम दस्तावेज ले गई और आजम चीखता रह गया। लेडीज है, थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखो। दादा सिर बचा लीजिए, सिर थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे रहिए आप लोग। भाई लाइट चला लो, वहीं से लीजिए भाई लाइट। अरे हाथ छोड़ो, अरे बस हो जाओ यार, भाई लाइट तो चला लो थोड़ा सा। सुरेश लाइट सुरेश लाइट भी अरे अरे आप तो सर हट जाइए बीच, अरे सर बीच में से थोड़ा सा दे दीजिए। अरे भाई आप थोड़ा जगह दे दो, सर 3 दिन से लगातार आपकी कॉल नहीं चल रही है सर। भाई लोगों थोड़ा जाने दो, ये जाने दो यार। सजन आपता आजम भले ही अब सिब्बल के बल पे जमानत पे हो, लेकिन आज से निकले हुए पैसे सिब्बल वापस नहीं दिला सकते। यही आजम हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।